स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग ट्रिक्स कैलकुलेशन ट्रिक्स देख रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग लगभग पार्ट तीन पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसका पार्ट फोर, ठीक है। तो हमारा पहला ट्रिक है, जो देखते हैं पहली ट्रिक हमारी क्या है कि अब आपको क्या है, ठीक है। मान लीजिए 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। पहले शुरू करेंगे 5 से, फिर 25 से, फिर 125 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यार, पहले मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप देखना यार, ये पहला 5 से मल्टीप्लाई का रूल ये है कि आपकी नंबर क्या होना चाहिए, सम संख्या यानी इवन होनी चाहिए, सम संख्या इवन, ठीक है। तो इसका रूल क्या होता है भाई सम संख्या का है? तो सम संख्या वो होती है इसमें 2 का भाग चला जाए या आखिरी में 02468 आए। तो देखते जरा, 5 गुणे क्या करना है? 42 करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 42 का हाफ लेना है जब कभी भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 42 क्या लेना है? हाफ, ठीक है। 5 है, 5 की पावर कितनी है? 1। तो 5 को क्या ले सकते हैं? 5 की पावर 1 ले सकते हैं। तो आपको 10 बढ़ा देना है, ठीक है। समझ में आया ट्रिक क्या है भाई? 56 गुणे 5 निकालना है आपको। जैसे तो 56 गुणे अगर 5 निकालना है तो क्या बताया, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका हाफ। 56 का आधा कितना होता है? 28। 5 की पावर कितनी है? 1। तो 10 यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 280 आंसर हो जाएगा। चलिए एक और लेते हैं, 36 गुणे 5, ठीक है। तो 36 का हाफ कितना होता है? 18 होता है। और 5 की पावर कितनी है? 1। तो 5 में क्या है, पावर 1 ही होती है, तो 180। तो सिंपल समझ में आ गया। आगे देख लेते हैं आपको, जैसे मल्टीप्लाई करना है 740 गुणे 5। तो 740 यानी 740 मतलब 370, ठीक है। इसका हाफ 5 दिया हुआ है, 5 की पावर 1 है, तो 10 बढ़ा लेंगे, तो 3700 हमारा आंसर हो जाएगा। अब शुरू करते हैं भाई, 25 का मल्टीप्लाई जब, ठीक है, इवन के भी केस देख रहे हम लोग, इवन यानी सम संख्या हो। तो 25 का देखो क्या ले सकते हैं, 5 की पावर 2। अब इसमें देखिए, अगर हम लोग इस पर क्या करेंगे, 5 की पावर 2 होगा तो हम लोग क्या करेंगे इसका, ठीक है, वहाँ पर, ठीक है, हम लोग आधा करें तो यहाँ पर आधे का आधा यानी चौथाई करेंगे, ठीक है, 4 से भाग देंगे। पहले 2 से भाग दे रहे थे, यहाँ पर 4 से भाग देंगे। जैसे करना है हमें 72 गुणे 25। तो समझिएगा, 72 में 4 का भाग दीजिए, ठीक है, 72 में 4 का भाग, तो कितना जाएगा, 18 6 72। अब 25 को क्या लिखते हैं, 5 की पावर 2, तो 20 बढ़ जाएंगे। अगला देखते हैं भाई, मल्टीप्लाई 76 गुणे 25। तो 76 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 19 19 6 76। 76 में क्या करना है अपने को, 4 का भाग देना है, तो 19 बार जाएगा। अब ये 25 को क्या लिखते हैं, 5 की पावर 2, तो यानी 20 बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा हो, जितनी पावर हो उतने 0 हम लोग बढ़ा देंगे। 448 गुणे 25। अब इसका मल्टीप्लाई करना है यार, तो सीधे 448 में 4 का भाग दो, तो 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8। 25 का मतलब 20 बस, हमारा आंसर हो गया। तो ये ट्रिक इंपॉर्टेंट थी, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब 125 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 125 मतलब होता है 5 की पावर 3। तो अब समझ ही गए होंगे 5 की पावर 3 का मतलब किससे डिवाइड करेंगे, अब 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 4 का आधा है, 4 में 2 क्वांटिटी है, यानी 8 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और 30 बढ़ा देंगे। तो देखते जरा, 72 गुणे 125, ठीक है, 72 गुणे 125। तो 72 में 8 का भाग दें कितना आएगा भाई, 72 में 8 का भाग दो कितना आएगा, 9 आएगा, 9। अब 125 का मतलब क्या होता है, 30 लगाना है, तो 10 30 बस, हमारा आंसर हो गया। देखते हैं अगला भाई, 24 गुणे 125। तो 24 का मल्टीप्लाई 125 में कराना है, तो 24 में किसका भाग देंगे, 8 का, तो 8 त्रिका 24, 125 मतलब होता है 30। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी और देख लेते हैं इसी का एक मल्टीप्लाई, 128 गुणे 125, ठीक है, 128 गुणे 125। तो भाई इसमें क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे, तो 8 एकम 8 8 6 48। तो अब 125 मतलब होगा 30 बढ़ाना है, तो 130 हमारा आंसर हो गया यार। सिंपल सा मेथड है, ठीक है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं जरा ऑड नंबर पे देखते हैं, ठीक है।
ऑड नंबर में देखिए जरा, जैसे 37 इंटू 5 करना है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर 37 इंटू 5 का मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे बेसिकली आता है ये, बट क्या करना है, इसको नहीं आता है तो 37 का एक कम कर लो, 37 में एक कम करें कितना बचेगा 36, ठीक है। 36 का आधा ले लो, ठीक है, आखिरी में क्या लिख लो 5, तो 185 हमारा आंसर हो गया। जैसे करना है 39 × 5, तो 39 का आधा कितना होता है 19, फिर 5 लगा दो, ठीक है, मतलब 39 का एक कम करेंगे 38, 38 का आधा 19, तो बस 195 हमारा आंसर हो गया। 79 × 5, तो 79 एक कम करोगे तो 78 हो जाएगा, 78 का आधा कितना होता है 39, ठीक है, 5 लगा दो हमारा आंसर हो गया। ये 5 का मल्टीप्लाई था जब संख्या क्या हो, ऑड हो। अब देखते हैं यार 19 × मान लो 25 करना हो, ठीक है यार। अब इसको देखो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसको आप क्या है ना फटाफट अपने आप ही सॉल्व कर लेना है, ठीक है। वैसे ट्रिक होती है तो ट्रिक क्या होती है वो देख लेते हैं भाई, ट्रिक क्या होती है। तो अभी आपको बताया था 19 में क्या करना है, 4 का डिवाइड करना है, ट्रिक देख लेते हैं। वैसे ट्रिक इसकी वहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, 25 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो आप, ठीक है। तो अब देखो ट्रिक क्या होती है भाई, 4 × 16, ठीक है, 4 बार गया ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब शेष कितना बचा 3, अब क्या करेंगे 3 में 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 25 तिया कितना होता है, ठीक है, 25 तिया आपका होता है 75 बस, और ये 4 आपका आंसर हो गया। देखते हैं एक 73 × 25, देखो यार 73 में क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 25 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो 73 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितनी बार जाएगा 18 बार, शेष कितना बचेगा 1, इसी शेष बचता है उसी में मल्टीप्लाई कराएंगे 25 का, ठीक है। तो पहले 18 लिख लेंगे और 25 कम 25, तो 1825 हमारा आंसर हो गया। एक और देखते हैं 530 × 25, ठीक है। वैसे तो यार ठीक है ये दोनों, ये एक्चुअली दोनों के लिए वर्क कर जाएगी, ठीक है, बट विषम संख्या कंडीशनल है, क्या है ना, अगर आप विषम संख्या है तो पर्टिकुलरली आप ये ट्रिक ला सकते हैं, ठीक है। बाकी सम संख्या विषम संख्या दोनों के लिए वर्क कर जाएगी। देखो रहा इसमें 4 का डिवाइड करो यार कितनी बार जाएगा, ये 4 × 4 और 4 × 3 = 12, ठीक है, और 4 × 2 = 8, ठीक है, 2 शेष बचेगा और ये 25, 25 × 2 कितना होता है भाई 50, ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे और 132 हमारा आंसर हो गया। अब चलिए देखिए 125 वाली ट्रिक, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमें 125 का पहाड़ा नहीं आता है, ठीक है, वो ट्रिक ये इम्पॉर्टेंट, इसको आप देख लीजिएगा। 61 × 125 करना है आपको, ठीक है। तो आपको अब याद क्या रखना है भाई, इसमें क्या करेंगे 61 में 8 से डिवाइड करना है, 61 में 8 से, तो कितनी बार जाएगा 8 × 56, ठीक है, 7 बार जाएगा और 5 कितना बचेगा शेष, ठीक है। अब आपका रहेगा 5 शेष बचेगा, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 125 में, तो यार ये तो सिंपल हो गया, ठीक है, 25 दो 5 × 25 = 11, ठीक है, और 5 × 5 = 6, ठीक है, और आपका 7 पहले से था तो 76 × 25 हमारा आंसर हो गया। तो आपको क्या करना है, जितनी बार जाए उसको ऐसे लिख रहे हैं ना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, फिर मल्टीप्लाई को यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग, 171 × 125, ठीक है, इसका आपको मल्टीप्लाई कराना है। तो यार सिंपल सा है, देखो अब हम लोग मन में करेंगे इसमें 8 का भाग देंगे, 8 × 2 = 16, ठीक है, एक बचेगा 11, 8 × 8 कितना शेष बचेगा 3 × 125, ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 7, 3 × 3 = 21, 375 हमारा यही आंसर हो जाएगा। एक और देखते हैं जरा 75 × 125, ठीक है, तो वही बताया इसमें क्या करना है 8 का डिवाइड करना है, तो यार 8 × 9 = 72 होता है, तो कितना बचेगा शेष 3, 3 में क्या करना है 125 का मल्टीप्लाई यार, ठीक है। और तो इसको अभी हम लोगों ने किया था 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 = 7, 3 × 3, ठीक है, और ये 9, तो 93 × 75 हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया, बहुत अच्छी ट्रिक्स थी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की ओर, ठीक है, जिसमें से आपका क्या होगा 11 से मल्टीप्लाई होगा
वन वन इलेवन से मल्टीप्लाई होगा या जितनी बार वन आ जाए उनसे मल्टीप्लाई का ट्रिक देखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक अब देखते हैं जरा क्या है भाई, 7, 8, 2, 3, 5 गुणे 11। अब ध्यान रखिएगा ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान लगा समझिएगा, ठीक है। अब देखो यार ये एक है, एक है ठीक है, यहाँ पर 11 में कितनी संख्या है, 2 डिजिट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है 1, 2, ठीक है। तो मतलब क्या, पहले इसको ऐसे लिख लेना 5, ठीक है, फिर अगली संख्या जोड़ लेना 5, 3, 8, ठीक है। फिर समझना जरा, 5 को भूल जाना है, ठीक है, फिर 3, 2, 5, ठीक है, फिर 3 को भूल जाना है, फिर 2, 8, 2, 10, एक कैरी जाएगा उसको ऊपर लिख लेंगे, फिर 2 को भूल जाना है, फिर 8, 7, 15, 15, 1, 16, ठीक है, फिर 8 को भूल जाना है तो एक कैरी गया था, 7, 1, 8, तो 86, 0, 5, 8, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक इसलिए बताइए, देखो रहा जब ये 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम 1, 2 जोड़ेंगे, ठीक है, जब 1, 1 होगा तो 1, 2, 3 जोड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं उसको बताता हूँ, ठीक है, पहले हम लोग 11 का ही मल्टीप्लाई देखते हैं। एक और देख लेते हैं जरा, 11 से 3, 4, 5, 6 गुणे 11। तो देखो रहा क्या बताया था भाई, 6, ठीक है, तो अब 6 लिख लिया, फिर 6, 5, 11, यहाँ 2 का पेयर बन जाए तो उसके बाद भी संख्या छोड़ दे जाते हैं, 6 को छोड़ दिया, फिर 5, 4, 9, ठीक है, और एक हमारा हासिल भी गया था तो 10, ठीक है, एक हासिल, ठीक है, फिर 5 को छोड़ देंगे, 4, 3, 7, फिर 2 का पेयर बन गया, ठीक है, 7, 1, 8, तो फिर हम 4 को छोड़ देंगे, बस 3 बचा, बस 3 हमारा आंसर हो गया, 38, 0, 1, 6, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग 1, 1, 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 5, 3, 1, 2, 9 × 1, 1, 1, यहाँ पर 1, 1 कितने भाई, 3 है, तो हम लोग समझिएगा 1, 2, 3, तो 3 नंबर बाद हम लोग पेयरिंग, हम लोग 3, 3 नंबर की पेयरिंग करेंगे, ठीक है, जहाँ पर 3 हो जाएगा उससे हम लोग पेयरिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे भाई, 9 लिख लेंगे, ठीक है, फिर 9, 2, 11, इन को जोड़ेंगे, 9, 2, 11, एक कैरी गया, फिर 9, 2, 11, 1, 12 और एक कैरी 13, ठीक है। अब समझिएगा, अब क्या होगा, 3 के पेयर बन गया, 3 हमारा पेयर कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करेंगे, पहली संख्या को छोड़ देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 के पेयर बनाएंगे, 2, 1, 3, 3, 3, 6 और एक हासिल गया था 7, ठीक है, फिर 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 का पेयर बनाएंगे तो 1, 3, 5, ये 3 के पेयर बनेंगे, ठीक है, 1 + 3 + 5 कितना हो गया, 5, 3, 8, 1, 9, ठीक है। अब 1 को छोड़ देंगे, 5, 3, 8, 3 को छोड़ देंगे, अब बचेगा 5, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5, 8, ठीक है, 9, 7, 3, 1, 9, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं, इसको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, एक 5, 4, 5, 6, 3, 4 × 1, 1, तो आपको पता है ये 1, 2, 3, पहले क्या करना है, 1 का पेयर बनेगा, फिर 2 का पेयर बनेगा, फिर 3 का, मैक्सिमम पेयर कितने बन सकते हैं, 3 के, क्यों भाई संख्या कितनी है, जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1, 1, तो कितनी बार, 3 बार, तो मैक्सिमम जो 3 का पेयर बनेगा, ठीक है, फिर 3 से वो घटता जाएगा, तो पहले किससे करेंगे, 4 से, तो 4 लिख लेंगे, फिर 4 में अगली संख्या जोड़ेंगे, 4, 3, 7, 1, 2, 3, ठीक है, ऐसे, फिर 3, 3, फिर जितना कम होता जाएगा, 4, 3, 7, ठीक है, 4, 3, 7 और 6, 13, एक कैरी गया। अब क्या करेंगे, 4 को कट कर देंगे, 3, 6, 3, 9, 9, 5, 14 और ये एक हासिल था 15, ठीक है, फिर से एक हासिल गया, फिर से 3 को कट कर देंगे अब अगली बार, अब क्या, फिर से 3, 6, 5, 11, 4, 15, एक हासिल गया था 16, फिर से एक कैरी गया हमारा, ठीक है, फिर से 6 को कर, अब देखो 6 को कट कर दिया तो आगे तो पेयर क्या है, घटते जा रहे हैं, तो 5, 4, 9, ठीक है, एक कैरी गया था तो 9, 1, 10, ठीक है, और ये 4, 1, 5, तो 5, 0, 6, 5, 3, 7, 4। चलिए और देखते हैं भाई, और और संख्या बढ़ाते हैं 1, 1 की, तो 9, 3, 8, 4 × 1, 1, 1, 1, 4 बार 1 है, अब देखो अब वो समझ में आ गया होगा, 4 बार 1 है तो पहले क्या ऐड होगा, 4, ठीक है, फिर 4 का मतलब देखो हो रहा 4 है तो ऐसे स्टार्ट होगा 1, फिर 2 संख्या जोड़ेंगे, फिर 3 संख्या जोड़ेंगे, फिर 4, ठीक है, फिर इसके बाद 4 संख्या जोड़ेंगी अगर होंगी तो, ठीक है, नहीं होंगी तो फिर 3, 2, 1, ऐसे रूल फॉलो करता है, ठीक है, तो 4 आ गया, फिर अगली संख्या जोड़ेंगे, 8, 4, 12, एक कैरी गया, ठीक है, 8, 4, 12 और 3, 15, 1, 16, ठीक है, फिर एक कैरी गया,
अब 8 4 12 3 15 9 24 1 25, ठीक है। फिर से अब क्या गया, 2 कैरी गया। अब समझ आ रहा, अब पूरे हम लोग 4 के मैक्सिमम पहुंच चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्या चुके हैं, मैक्सिमम 4 पहुंच चुके हैं ना, जितनी संख्या आई थी। तो हम लोग क्या करेंगे, अब 4 को कट करना शुरू करेंगे। 8 3 11 9 20 और 2 22, ठीक है। अब 8 को कट कर देंगे, 3 9 3 12 और 2 14, 1 कैरी गया। अब 3 कट करेंगे, 9 केवल 9 ही बचेगा, तो 9 1 10, तो 10 4 2 5 6 2 4 हमारा आंसर हो गया भाई। चलिए अगला देखते हैं, इसी एक को देख लेते हैं भाई। 3 6 7 8 2 into 1 1 1, तो यह समझ में आ गया होगा। अभी ये देखो, रहा पहली 2 जुड़ेगा, फिर 8 प्लस 2 10, 1 कैरी गया, ठीक है। 8 2 10 7 17 1 18, ठीक है। 8 2 10 7 17 6 24, ठीक है। 24 1 25 कैरी था अपना, ठीक है। 24 1 25, तो अपना हासिल कितना गया, 2। अभी देखो मैक्सिमम कितने, 4 पहुँचने भाई, 1 2 3 4 पहुँच गए ना। तो अब इसको कट करना शुरू कर, 2 कट हो गया, 8 7 15 6 21 3 24 और 2 26, अभी भी 2 हासिल है भाई, ठीक है। अब 8 कट हो जाएगा, 7 6 13 3 16 और 2 18, अब 1 हासिल जाएगा। अब 7 कट हो जाएगा, 6 3 9 1 10, ठीक है। 6 कट हो गया, 3 1 4, तो 4 0 8 6 4 8 0 2, एक मोटी कहीं पर 2 था, ठीक है, आया। 8 प्लस 2 10, 1 हासिल गया, ठीक है। 8 प्लस 2 10 7 17 1 18, 1 हासिल गया। 8 2 10 7 17 6 23 1 24 होगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ 24 होगा, ठीक है। तो 4 0 8 6 4 8 0 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। तो आप, ये मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई, आप पक्का इनको लगाइएगा, और ये पेपर में आपके बहुत यूजफुल है। मैंने इनको जैसे एग्ज़ाम देता हूँ, तो या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो एग्ज़ाम वगैरह मॉक टेस्ट देता है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट भी करनी पड़ती है। तो बहुत यूजफुल ट्रिक्स होती हैं ये, आपको मल्टीप्लाई में काफ़ी बार आती भी हैं। तो इनको मन लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई भी कमेंट डाउट्स हो, कोई भी आपको सजेशंस हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद ना आए तो भी बताइए, क्योंकि क्या कमी रहेगी, क्या प्रॉब्लम, ठीक है, आगे इसको अच्छा कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना रखते हैं।